नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य रत्न तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अमूल्य तिवारी करेंट अफेयर क्लास में। दोस्तों मैं डेली आप सबके लिए 10 करेंट क्वेश्चन लेके आता हूं। आज है 3 अक्टूबर और आज से रिलेटेड जितने भी करेंट क्वेश्चन है मैं आपके सामने लेके आऊंगा टॉप 10 करेंट क्वेश्चन। दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे चैनल को मेरे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और शेयर भी करिए ताकि और भी लोगों को मेरे चैनल के बारे में बता सके और उनको बेनिफिट मिले। आइए बढ़ते अपने आज के क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन वो ये है कि हाल ही में भारत की सबसे बड़ी चरखा मेड ऑफ वेस्ट प्लास्टिक का उद्घाटन किसने किया। जी हाँ, चरखा, सबसे बड़ी चरखा, ये चरखा बना किससे, जो वेस्ट प्लास्टिक है उसी वेस्ट प्लास्टिक से मिलके इस चरखे को बनाया गया है। इसका उद्घाटन कहाँ किया है दोस्तों और किसने किया है, तो दोस्तों इसका उद्घाटन स्मृति ईरानी जी ने किया है। इसका उद्घाटन किसने किया है दोस्तों, तो इसका उद्घाटन स्मृति ईरानी जी ने किया है। और स्मृति ईरानी जी क्या है, टेक्सटाइल मिनिस्टर है। जी हाँ, केंद्रीय सेंट्रल टेक्सटाइल मिनिस्टर है दोस्तों। और ये उद्घाटन कहाँ किया गया है दोस्तों, तो नोएडा में किया गया, उत्तर प्रदेश नोएडा में किया गया है। और 1250 किलोग्राम का प्लास्टिक इस चरखे को बनाने में यूज किया गया है। तो दोस्तों स्मृति ईरानी जी का जो निर्वाचन क्षेत्र है, सांसदीय क्षेत्र है, वो दोस्तों वो क्या है, तो दोस्तों वो है आपका अमेठी। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने लोगों को अंतरिक्ष की सैर कराकर पृथ्वी पर लाने वाला नया स्पेसक्राफ्ट बनाया। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही मजेदार और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने लोगों को अंतरिक्ष की सैर कराकर पृथ्वी पर लाने वाला नया स्पेसक्राफ्ट बनाया। तो दोस्तों वो बनाया स्पेस एक्स एजेंसी ने लोगों को अंतरिक्ष की सैर कराकर उनको वापस पृथ्वी पर लाने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट बनाया है। दोस्तों स्पेस एक्स की स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना हुई थी 6 मई 2002 में। कब हुई थी दोस्तों, 6 मई 2002 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। और कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। और इसके जो फाउंडर और सीईओ हैं दोनों, वो कौन है दोस्तों, वो है एलॉन मस्क। जी हाँ, एलॉन मस्क जी स्पेस एक्स के फाउंडर और सीईओ हैं। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती के मौके पर कितने रुपए का स्मारक सिक्का लॉन्च किया गया। जी हाँ, स्मारक सिक्का लॉन्च किया गया है महात्मा गांधी जी की जयंती पर। दोस्तों आप सब जानते हैं कि कल 2 अक्टूबर था और 2 अक्टूबर को हमने महात्मा गांधी जी का 150वीं जयंती मनाई। तो उस मौके पर 150 रुपए का सिक्का, स्मारक सिक्का दोस्तों लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये कहाँ लॉन्च किया गया दोस्तों, तो गुजरात के अहमदाबाद में। कहाँ पे, गुजरात के अहमदाबाद में लॉन्च किया गया है। दोस्तों अहमदाबाद से सबसे इम्पोर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, तो रिलेटेड क्वेश्चन वो ये है कि भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ही नहीं, पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ खुल रहा है, कहाँ बन रहा है, तो बन रहा है दोस्तों अहमदाबाद में। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पूरी तरह से विद्युतकृत राज्य कौन बन गया। जी हाँ, पूरी तरह से विद्युतकृत राज्य कौन बन गया, तो दोस्तों वो बना है तेलंगाना। जी हाँ, तेलंगाना हाल ही में पूरी तरह से विद्युतकृत राज्य बन गया है। दोस्तों तेलंगाना की राजधानी आप सब जानते हैं कि हैदराबाद है, और हैदराबाद जो है वो मूसी नदी के किनारे। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि हाल ही में किस महिला क्रिकेटर ने T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जी हाँ दोस्तों, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस महिला क्रिकेटर ने T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो दोस्तों वो है एलिसा हेली। एलिसा हेली जी ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया। दोस्तों एलिसा हेली किस कंट्री से बिलोंग करती हैं, तो दोस्तों वो करती हैं ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और वहाँ जो करेंसी चलती है उसको हम डॉलर कहते हैं। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है, प्रधानमंत्री हैं, वो कौन है, स्कॉट मॉरिसस हैं। कौन है दोस्तों, स्कॉट मॉरिसस। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में एक जो सैन्य अभ्यास होता है जिसको हम कहते हैं अस इंडेक्स, यानी कि AUSA ऑस्ट्रेलिया और INDEX अस इंडेक्स, यानी कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ये सैन्य अभ्यास है। दोस्तों आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने SC ST अधिनियम के अंतर्गत तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाने का के फैसले को वापस ले लिया। जी हाँ, हाल ही में SC ST के अंतर्गत अधिनियम के अंतर्गत तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाने का फैसला ले लिया है, तो दोस्तों वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जानते हैं कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, और इसने अपने फैसले को वापस ले लिया है SC ST
अधिनियम के अंतर्गत जो तुरंत गिरफ्तारी होती थी उस पर रोक लगाने का। दोस्तों इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 हुई थी, और ये कहाँ पे है दोस्तों, तो भारत में न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रपति पुरस्कार पाने वाले पहली छात्रा कौन बन गए? जी हाँ दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति पुरस्कार पाने वाली पहली छात्रा कौन बन गई? तो दोस्तों वो हैं कविता गोपाल। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पहली आ रहा है, जहाँ पहली पहला आता है या फिर फर्स्ट बात की जाती है तो समझिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राष्ट्रपति पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली छात्रा कौन बनी है दोस्तों? तो वो बनी है कविता गोपाल। ये IITian है दोस्तों, IIT मद्रास की स्टूडेंट है, IITian है, और आप जानते हैं IIT मद्रास तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु की राजधानी क्या है दोस्तों? चेन्नई है। आइए बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में अब तक की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर ड्राई डॉक नामक डॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? दोस्तों ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। हाल ही में अब तक की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कैरियर ड्राई डॉक नामक डॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है मुंबई में। कहाँ किया गया दोस्तों? मुंबई में किया गया है। और मुंबई किसकी राजधानी है? मुंबई है दोस्तों महाराष्ट्र की राजधानी। दोस्तों ये किसके द्वारा किया गया है? तो राजनाथ सिंह जी, हमारे देश के रक्षा मंत्री, हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर, सेंट्रल डिफेंस मिनिस्टर, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वो ये है कि भारत सहित कितने देशों ने ऑनलाइन फेक न्यूज के प्रसार को रोकने हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जी हाँ दोस्तों, भारत सहित और कितने देश हैं जिन्होंने फेक न्यूज जो बढ़ रहे हैं उनको रोकने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों वो है 20 कंट्रियाँ। जी हाँ, भारत से और 20 देशों ने इस फेक न्यूज़ को रोकने हेतु समझौते पे हस्ताक्षर किए। ये कहाँ हुआ है दोस्तों? तो ये हुआ है सिंगापुर में। कहाँ हुआ है दोस्तों? सिंगापुर में। और आप सब जानते हैं कि सिंगापुर की राजधानी क्या है दोस्तों? सिंगापुर सिटी है। आइए बढ़ते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन वो ये है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे जीएन रामचंद्रन स्वर्ण पदक से सम्मानित किया? जी हाँ, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किसे जीएन स्वर्ण पदक, रामचंद्रन स्वर्ण पदक से सम्मानित किया? तो दोस्तों वो है प्रोफेसर अमिताभ चट्टोपाध्याय। किनको सम्मानित किया गया दोस्तों? तो किया गया प्रोफेसर अमिताभ चट्टोपाध्याय जी को। दोस्तों इन्होंने बायोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या किया था, काम किया था, इस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया था, जिनकी वजह से इनको जीएन रामचंद्रन स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के मेरे 10 इंपॉर्टेंट करेंट क्वेश्चन। मुझे आशा है कि आपको मेरे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे। और दोस्तों आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और शेयर भी करिए। दोस्तों मेरा आज का क्वेश्चन है कि भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा है जिसमें सूर्य का अध्ययन किया जाएगा? जी हाँ, भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन कौन सा है जिसमें सूर्य का अध्ययन किया जाएगा? इसका जवाब मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे वीडियो को देखते रहिए, क्वेश्चन नोट करते रहिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।